हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का जो आईपीओ है, जो मेन बोर्ड आईपीओ है, उसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट वगैरह आ गया है। मतलब उसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट जो है डिसाइड हो गया है, और उसके जो प्राइस बैंड मार्केट लॉट है काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और दोस्तों, कल इसके रिव्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरा कंप्लीट रिव्यू मिलेगा, और उसके अंदर ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी काम क्या करती है, कैसा इसका बिजनेस है, और इसके फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे हैं, जो इसके पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो सारी चीज़ें जो है कल के वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और उसके अलावा जो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी का आईपीओ है, उसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो जैसे ही डिसाइड होगा तो इन दोनों आईपीओस के रिव्यू का वीडियो भी मिल जाएगा, मतलब इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसे कम होते हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा कि ये आईपीओ अच्छा है या ये आईपीओ अच्छा है। और दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का आईपीओ है, इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 56 रुपए से लेकर 59 रुपए के बीच में। तो अभी तक देखा जाए तो इसका जो प्राइस बैंड काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, काफी सस्ता ये नजर आ रहा है। पर कल मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, इसके जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे कंपेयर करके बताऊंगा कि इसका प्राइस बैंड मार्केट डॉट वगैरह सस्ता है या नहीं है, अप्लाई करने जैसा है या नहीं है, और इसकी फ्यूचर के अंदर डिमांड वगैरह कैसी रह सकती है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और बाकी अभी तक अगर देखें तो मुझे कंपनी काफी बढ़िया नजर आ रही है, प्राइस बैंड भी ठीक नजर आ रहा है, फाइनेंशियल्स भी ठीक नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, एक और बात, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का जो आईपीओ है, उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी आज की तारीख में खुल गया है, क्योंकि इसका प्राइस बैंड आ गया है तो ग्रे मार्केट के अंदर भी अब इसकी डिमांड होना शुरू हो गई है। पर अभी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम इसका काफी कम चल रहा है, 10 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। तो 254 शेयर का ये लॉट है, तो 10 × 254 करते हैं तो 2540, मतलब 2540 रुपए हमें एक लॉट पर फायदा बता रहा है। करीबन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 15 से 16% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, तो काफी कम है, मतलब 20% से कम है, तो काफी कम चल रहा है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, क्योंकि अभी मार्केट के ऊपर भी दबाव, आप मार्केट को भी देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, तब आईपीओस पर तो इफेक्ट पड़ना लाजमी है। और बाकी कल के रिव्यू के वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है वो भी 4 अक्टूबर को ओपन होने वाला है, उसका अभी प्राइस बैंड मार्केट लॉट वगैरह डिसाइड नहीं हुआ है। और बाकी जो नए आईपीओस कौन से आने वाले हैं अक्टूबर के अंदर, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होती है तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा। अब दोस्तों, ऐसे में आईपीओस की बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें, इससे क्या है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होता है, छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अलॉटमेंट की चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात करें एसएमई आईपीओ, एसएमई आईपीओ के अंदर इंसुलेशन एनर्जी का जो आईपीओ है वो उसके अंदर अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 29 तारीख, कल की तारीख में। तो उसके अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो कल तक लास्ट डेट है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर मेरी बात करें तो इंसुलेशन एनर्जी के आईपीओ में मैं अप्लाई कर चुका हूं। और देखिए दोस्तों, मुझे देख के किसी भी आईपीओ में अप्लाई आपको नहीं करना है, अपनी भी एनालिसिस लगानी है। बाकी इंसुलेशन एनर्जी के रिव्यू का वीडियो मैं क्विक रिव्यू दे चुका हूं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं इंसुलेशन एनर्जी आईपीओ रिव्यू जयेश खत्री लिखकर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों, एसएमई आईपीओ को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल रहते हैं, तो दोस्तों अगर आप एसएमई आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर जाकर एसएमई आईपीओ जयेश खत्री, या यूं लिख सकते हैं हाउ टू अप्लाई इन एसएमई आईपीओ जयेश खत्री। ये यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कीजिए एसएमई आईपीओ जयेश खत्री लिखकर, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एसएमई आईपीओ पर पूरा कंप्लीट रिव्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा कि एसएमई आईपीओ होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको सेल करते हैं, कैसे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आते हैं, तो सारी जानकारी उसके अंदर मिल जाएगी। मैंने पूरा क्लियर कर दिया, मुझे पता है काफी लोगों के मन में एसएमई आईपीओ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आपको क्या सर्च करना है एसएमई आईपीओ जयेश खत्री या हाउ टू अप्लाई एन एसएमई आईपीओ जयेश खत्री, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, जिसके मन में भी एसएमई आईपीओ के सवाल है तो वहां सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इंसुलेशन एनर्जी एसएमई आईपीओ है, उसके अंदर मैंने एक लॉट अप्लाई किया है। और दोस्तों, आप लोगों में से किन किन लोगों ने इंसुलेशन एनर्जी के आईपीओ में अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो गया है, रिटेल पोर्शन भी करीब करीब 100 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि जो अलॉटमेंट मिलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अप्लाई तो कर दिया है, मुझे उम्मीद नहीं है कि अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा ह्यूज सब्सक्रिप्शन है तो अलॉटमेंट के चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है। और दोस्तों, बाकी सारे एसएमई आईपीओ भी मैंने देखे तो कोई खास नजर नहीं आ रहा है, किसी पर भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी कोई खास नहीं है, मतलब किसी आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर कोई खास डिमांड नहीं है। स्पेशली अभी मार्केट डाउन है, इस हिसाब से इंसुलेशन की थोड़ी बहुत डिमांड है, और कॉनकॉर्ड का जो आईपीओ है उसकी थोड़ी बहुत डिमांड चल रही है, ये दोनों आईपीओ ही ठीक नजर आ रहे हैं। और स्वस्तिक आईपीओ का मुझे ठीक नजर आया, पर उसका प्राइस बैंड मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। स्वस्तिक पाइप्स का जो आईपीओ है वो कल की तारीख में ओपन होने वाला है, शायद 29 तारीख को उसकी ओपनिंग डेट है, तो वो आईपीओ मुझे ठीक नजर आया, पर उसका प्राइस बैंड बहुत ज्यादा, 100 रुपए के आसपास प्राइस बैंड है,
क्योंकि 100 रुपए के आसपास वैसे ज्यादा नहीं होता, पर एसएमई आईपीओ जो होते हैं मतलब वो स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनीज होती है, तब उसका प्राइस बैंड इतना ज्यादा भी मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है, जो 100 रुपए भी थोड़ा ज्यादा नजर आता है। इनका प्राइस बैंड करीबन 30-40 रुपए 50 रुपए जैसा होता है, तो वो सही नजर आती है। रेवेन्यू वाइज देखें तो इंस्टॉलेशन एनर्जी काफी परफेक्ट कंपनी नजर आ रही है। अभी मैंने सारे आईपीओ देखे, उसमें से मुझे इंस्टॉलेशन एनर्जी ही ठीक कंपनी नजर आई। हालांकि मैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम देख के अप्लाई नहीं करता हूं, जैसे कॉनकॉर्ड का ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा है, पर इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि पर्सनली मुझे थोड़ी क्या ऐसे में आईपीओ रिस्की ही नजर आते हैं। और दोस्तों आप भी अप्लाई करें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के करें, ऐसे में आईपीओ रिस्की ही होते हैं। तो ठीक है ये सारे आईपीओ को लेकर सारी चीजें क्लियर हो गई आपके। और दोस्तों कल की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का जो आईपीओ है, मतलब ईएमआई का जो आईपीओ है, उसका रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।